तो दोस्तों नहाने के साथ हो गई है सिद्धि के दिन की शुरुआत। थोड़ा हंस के दिखा दो, गुड। और खुश होते हुए नहा रही है, इतना खुश तो मैं भी नहीं होता नहाते हुए। ओम हरि ओम स्वमूर्त मासु स्वमूर्त मासु स्वमूर्त मासु स्वम कल्याण भवंतु। ओम हरि ओम अतन देव सर्वेगी पावसी प्रवेतनेगी प्रवेतनमाम। ये मेन गेट है और लिखा भी है ओम सैम देवाय नमः। तो सैम देवता जो है हमारे हैं लोक देवता उत्तराखंड के, जैसे गोलू देवता का नाम आपने सुना होगा, अर्जुनाथ हैं, बहुत सारे देवता हैं, वैसे ही सैम देवता भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गावला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज है हरेला, उत्तराखंड का सबसे प्रमुख लोक पर्व हरेला, जो कि जुड़ा हुआ है पर्यावरण से और कृषि से। तो 10 दिन पहले जो हमने हरेली की बुआई की थी, 5 अनाज जिसमें बोए थे, कहीं कहीं पे 7 अनाज भी बोए जाते हैं, हमने बोए थे 5,000 अनाज, उनको आज पंडित जी आके जो है काटेंगे और मंत्रोच्चारण भी करेंगे। उसके अलावा आज का खास वीडियो इसलिए भी है क्योंकि आज सिद्धि का पहला हरेला है। सिद्धि हमारी भांजी है, मेरी भांजी है और अपने ननिहाल आई है इन दिनों, तो आज पहली बार हरेला मनाएगी वो अपने जीवन में, तो एक खास दिन है उसके लिए। तो हमने तो नहा धो के एकदम दिए हुए जला के सेट हो गए हैं, लेकिन अभी वो नहा रही है तो उसको दिखाते हैं आपको, उससे वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके अलावा आज जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा वो है वृक्षारोपण का। कल हम कुछ चीजें, कुछ पौधे लाए थे, कुछ तो हमने गाँव में वितरित कर दिए हैं, कुछ मैं खुद लगाऊंगा, तो वृक्षारोपण भी किया जाएगा, तो काफी अच्छा व्लॉग होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। तो दोस्तों नहाने के साथ हो गई है सिद्धि के दिन की शुरुआत। थोड़ा हंस के दिखा दो, गुड। और खुश होते हुए नहा रही है, इतना खुश तो मैं भी नहीं होता नहाते हुए, इतना ये हो रही है। ओ नहा लिया, गुड। तो सुबह सुबह नहा लिया है सिद्धि ने और नहाएगी, नए नए कपड़े पहनेगी, उसके बाद खाएगी पूड़ी। तो दोस्तों सिद्धि जो है स्नान स्नान कर चुकी है। फिलहाल ये देखिए, ये हमारा हरेला है इस साल का, इस तरह का हो रहा है। और अभी यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं पंडित जी का, तो पंडित जी आएंगे तो हरेला काटेंगे। ये हमने दाजुल भी रखा है यहाँ पे, दराती इसको बोलते हैं, और शंख घंटा सब कुछ रखा हुआ है। पंडित जी आएंगे, थोड़ा बहुत मंत्रोच्चारण करेंगे और ये है हरेला, इसको काटेंगे। तो दोस्तों पंडित जी आए हैं, इन्हीं का इंतज़ार था। अब ये थोड़ा एकाध मंत्रोच्चारण करेंगे, उसके बाद हरेला जो है विधिवत रूप से कट जाएगा। ओम हरि ओम स्वमूर्त मासु स्वमूर्त मासु स्वमूर्त मासु स्वम कल्याण भवंतु। ओम हरि ओम अतन देव सर्वेगी पावसी प्रवेतनेगी प्रवेतनमाम। मनो मनो क्योंकि जांच आप इस पति आज्ञा मेम तंदु पश्चिम आज्ञा गंग सेवादाय सेवादाद विषय देवा स्वाध्याय वर्ष काल नाम समास अध्याय वर्ष से भगवान दक्षायने बरखा ऋतु श्रावण मास आषाढ़ आषाढ़ पक्ष शुभ पक्ष दशमी पुण्यतिथि भम आशा हरिरा हरिरा सुभष्टा वर्धावंतु। बद्रीनाथ की जय, जोशी मठ हरिद्वार की जय, बद्रीनाथ की जय, देवी मैया की जय हो, शांति तो दोस्तों पंडित जी काट के गए हरेला और अब सिद्धि को हम लगाएंगे हरेला, मतलब मम्मी लगाएगी, सिद्धि की नानी की नानी जो है वो लगा रही है हरेला। ऐसे ताली हो जाओ बुद्धि त्राण अजो श्यावज बुद्धि अजो और क्यों बनी शु बुद्धिमान है जय तू। तो ऐसे लगाते हैं जी हरेला, जीरे जागरे बचरे जवान हजे। अब दूसरी नानी लगाएगी क्यों उन्हें शूद तरान शावज बुद्धि। जय को जय, जय कर दे, बाय बाय।
गढ़ो सखी सही जा भाजू भाई गोरे हेरा गढ़ो भाई को हो गया किला ओरे ये डबल चला डबल नंबर तो डबल को मेरी दीदी हां बजे उसके हाथ में ना जगह नहीं है तो मुंह से ले लिए बोले खा लेती हूँ सीधे उसे लगता है कि ये सब खाने वाली चीजें हैं क्यों सिद्धि यो खा ले दे बाबे भी चलते चार से यार तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और आज हरेले का दिन था तो सुबह से ही किसी मंदिर में भी मैं जा नहीं पाया बहुत बिजी हो गया था तो मैंने कहा शाम को एक मंदिर है हमारे यहाँ पर सैम जी का ऊपर धार में तो यहाँ अभी हम आ गए हैं तो यहाँ थोड़ा सैम जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है फिलहाल आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और खुद भी करते हैं हालांकि बहुत समय हो गया है काफ़ी देर हो गई है तो अभी क्या है कि शायद उतनी बहुत बढ़िया पिक्चर नहीं आई बहुत बढ़िया वीडियो क्वालिटी नहीं आए लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं आपको दिखाने की जो हमारे गांव का सैम मंदिर है उसके दर्शन कराता हूं। ये देखिए दोस्तों ये मेन गेट है और लिखा भी है ओम सैम देवाय नमः तो सैम देवता जो है हमारे हैं लोक देवता उत्तराखंड के जैसे गोलू देवता का नाम आपने सुना होगा हरजुनाथ हैं बहुत सारे देवता हैं वैसे ही सैम देवता भी हैं तो ये देवता जो हैं इनको भगवान शिव का अवतार बताया गया है तो ये हमारे गांव वाला मंदिर है और हमारे गांव में एक यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे वो हैं क्या बोलते हैं देवदार के पेड़ हैं ये देखिए नहीं तो हमारे पूरे गांव में जंगलों में या तो चीड़ है या फिर बांज बुरांस वगैरह है ऊपर में देवदार भी है लेकिन गांव के आसपास में केवल यहीं पे देवदार है तो देवदार के पेड़ों की खासियत है कि बहुत सीधे होते हैं और बहुत ही बढ़िया दिखते हैं सुंदर दिखते हैं और आसपास में इनके पत्तों की और देवदार की एक अलग ही महक एक खुशबू होती है हमेशा अगर आप किसी भी देवदार के जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये महसूस होगा। तो ये देखिए दोस्तों ये कुछ ईंटें बची हुई हैं क्योंकि यहाँ पे एक नया मंदिर मतलब मंदिर तो पुराना है लेकिन इसको थोड़ा बड़ा किया गया है जो बगल वाला मंदिर है ये देखिए और ये जो पेड़ दो आपको दिख रहा है मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ एपर निकाले गए हैं यहाँ पे गांव वालों के द्वारा और ये बाबा जी की धुनी है सैम जी की धुनी और ये मंदिर है मंदिर के अंदर की वीडियो तो बनाना अलाउ नहीं है मतलब अलाउ तो है लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है अंदर की वीडियोस बनाना मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट रहनी चाहिए तो आप यहाँ आएँ दर्शन करें। बाकी ये देखिए ये जो पेड़ है इसको जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं मतलब जो आज की तारीख में जिनकी उम्र 94-95 साल हो गई है उनका कहना होता है कि ये पेड़ उन्होंने भी ऐसे ही देखा था जिस तरह से आज दिख रहा है उसी तरह से जब वो बच्चे थे तो तब भी ये ऐसा ही था। वैसे भी दोस्तों आपको पता होगा शायद कि जो देवदार का पेड़ होता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है 500 साल 600 साल 800 साल ऐसे इसकी लाइफ होती है तो देख सकते हैं इतना मोटा पेड़ है और काफ़ी बड़ा पेड़ है और अभी भी इसमें जो है नीचे की कुछ टहनियाँ सूख रही हैं लेकिन ऊपर का जो है हिस्सा हरा है। तो ये है यहाँ पे सैम जी का मंदिर काफ़ी शानदार जगह है काफ़ी शांति वाली जगह है बहुत सुकून है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर एक अलग ही जो है शांति प्राप्त होती है सुकून प्राप्त होता है। तो ये मंदिर अब थोड़ा इसको बड़ा बनाया गया है पहले काफ़ी छोटा था अभी हाल में ही इसको जो है इसका जीर्णोद्धार हुआ है। तो ये देखिए ये जी सैम मंदिर फिलहाल चलते हैं घर को यहाँ से और आपने मंदिर के दर्शन किए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सैम देवता की जय गोलू देवता की जय हरजुनाथ महाराज की जय और सभी लोक देवताओं की जय उत्तराखंड की जय। तो फिलहाल चलते हैं घर को मिलते हैं शाम में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं अपना जो है आज का वीडियो कर रहा हूँ एडिट और लास्ट जो फुटेज है लास्ट जो क्लिप है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज के दिन मैं सोच रहा था कि सुबह आज वृक्षारोपण करेंगे लेकिन मैं कर नहीं पाया हालांकि मैंने एक दो पेड़ अपने लिए बचा के रखे हैं जो मैं कोशिश से लाया था बाकी पेड़ मैंने इधर उधर कर दिए थे दे दिए थे बच्चों को या फिर युवाओं को तो उन्होंने वृक्षारोपण किया आज मतलब पौधे वौधे लगाए उसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट मतलब फोटोज अपने स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। तो इन लोगों ने जो है आज वृक्षारोपण किया सभी युवाओं ने बहुत सारे लोगों ने और कई सारी फोटोज मेरे पास नहीं आई कुछ जो आई हैं वो मैंने लगा दी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और हरेला बहुत बढ़िया से मना गया उम्मीद करता हूँ आपने भी बढ़िया से मनाया होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ फिर से तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए जय श्री राम टाटा।